दरभंगा शहर के बीचों बीच रविवार की सुबह घटी भयंकर दिल दहला देने वाली घटना, जहां शहर के नाले में युवक के गिरने से हुई दर्दनाक मौत, फिर इलाके में मची सनसनी। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के खान चौक से आ रही है, जहां खुले नाले में एक युवक की लाश मिली है। वहीं लाश को देख इलाके में सनसनी मच गई। इधर लोगों ने इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी, फिर मौके पर लहरियासराय थाना की पुलिस पहुंचकर लाश को नाले से निकलवाया। वहीं युवक की पहचान स्थानीय रहमगंज बमरिया टोला निवासी मोहम्मद इम्तियाज लाल बाबू के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने बताया है कि लाल बाबू वॉल पेंटिंग का काम किया करता था, वे शुक्रवार से ही घर नहीं लौटा था। ठीक इधर शनिवार को वे लोग अपने स्तर से खोजबीन कर ही रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि नाले में एक लाश मिली है। जैसे ही यह खबर उनको मिली, वह घटनास्थल पर दौड़े चले आए। इधर इस घटना से स्थानीय लोगों में नगर प्रशासन के प्रति आक्रोश भी देखा गया है। पार्षद पति मुन्ना खान ने बताया कि खुले नाले में हमेशा हादसा होता रहता है, इसी को लेकर कई बार निगम प्रशासन से इस बात की चर्चा भी की है। हालांकि ठीक इधर पुलिस ने फिलहाल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। काम कर गए, दिन में आए नहा सुना के खाना ना खा के गए, फिर शाम में नहीं आए। नहीं ना, डेली चले आते थे, कहीं भी रहते थे चल जाते थे। कितना रात का है ना चल रहा। लोगों ने कितना बार पदाधिकारी को कहा कि ये मेन रोड पर खुला हुआ है, कभी भी कुछ घटना हो सकती है, कोई सुनता नहीं। ऐसा जिम्मेदार किसको मानते हैं? नगर निगम को, प्रशासन को मानते हैं। नगर निगम का दावा था फेल। नगर निगम तक कहीं हमें नहीं, कहीं है ये नहीं है, नरक निगम है। बाढ़ में अभी भी नरक निगम है। हाँ जी, एकदम है, सब दावा फेल है। यकीन से दावा से कहेंगे, कटवाता हमारे वार्ड में सफाई कर्मी कटवाता। कल नाला जाम भी हो गया था यहाँ पर का, और कल आप खड़े होकर के साफ करा रहे थे। ऐसा तो नहीं कि इस लाश की वजह से नाला जाम हुआ हो? देखिए, मोहल्ले में जुमा के दिन लगा था पानी, इस लाश की वजह से। लाश जो है ना, वो लगता है रात के आसपास गिरा है, क्योंकि नाला बहुत डेप था। नगर निगम में पहले भी लिख के दिया जा चुका है कि ना, जो खान चौक का नाला है उसको कम से कम कवर किया जाए, ताकि लोगों का हादसा, इससे पहले भी हादसा हुआ है, लोग मरते मरते बचे हैं, कई बार गाय डूब के मर गया है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इसमें कभी ध्यान नहीं देती है। अभी जो जो नगर निगम की नई सरकार आई, कम से कम मैं उससे चाहता हूँ कि अविलंब इस पर जो है ढलाई करवाए, ताकि ये चलता हुआ रोड है, रात में कभी भी हादसा हो सकता है। अभी एक भाई, एक आदमी का जान चला गया है, किसी का परिवार उजड़ गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, यहाँ का प्रथम जिला प्रशासन होगा या नगर निगम प्रशासन? प्रथम दृष्टिया में क्या लग रहा है, ये हत्या है या नहीं? नहीं, ये हत्या नहीं लग रहा है, चूंकि हत्या होता ये वैसा आदमी नहीं है, चूंकि ये जो आदमी है ये कहीं किसी काम से रात में आ रहा होगा, इसको नाला नहीं दिखा होगा, नाला की गहराई बहुत है, जिसके दिखाने का बेचारा अनबैलेंस होकर गिरा होगा, चूंकि पैदल साइकिल भी नहीं है, उसी के अंदर गिर गया, जिसके जिसको हादसा हुआ। परिचय दीजिए सर। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला वार्ड नंबर 29।